एक और एग्जांपल करते हैं, ध्यान से देखना। हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं लैंग्वेज में। फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होंगे, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। कभी कोई गेन कर रहा है, कभी कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, कभी उनका सैक्रिफाइस डायरेक्टली गिवन है, कभी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। बट पहले रीड करना आना चाहिए क्वेश्चन। एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एज पर द न्यू एग्रीमेंट। अलग अलग चार केसेस, मतलब चार अलग अलग क्वेश्चन है, चार अलग अलग वेरिएशन है। एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। तो एक्स अपने शेयर में से 1/5 दे रहा है। केस वन, एक्सेस सैक्रिफाइस शेयर इज ऑलरेडी गिवन, यस और नो? तो अगर मुझे न्यू रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू, अगर आप गेन कर रहे हो तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस योर गेन, और अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। मैं बोल रहा हूं, अच्छा बताओ आपका न्यू रेशियो क्या है? कह रहे आप क्या कर रहे हो, गेन या सैक्रिफाइस? आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो पहले कितना मिल रहा था उसमें से जितना भी सैक्रिफाइस कर रहे हो वो माइनस कर दो। तो एक्स का न्यू शेयर निकालना है, ओल्ड हमें क्या है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो इसमें ये तो खैर डायरेक्ट है, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है और इन फेवर ऑफ जेड, जेड गेन शेयर इज इक्वल टू 1/6। कोई भी डाउट? वो तो गिवन है ना, डायरेक्टली न्यू रेशियो पे दिमाग लगाते हैं। न्यू रेशियो इज ओल्ड माइनस, अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। तो एक्स का न्यू रेशियो पहले क्या था, 5:3:2, मतलब 5/10 माइनस आपने सैक्रिफाइस करा 1/5। तो एलसीएम 10, 10 का मतलब 5 - 2। एक्स का नया शेयर क्या है, 3/10। वाई को फर्क ही नहीं पड़ता, दुनिया में चल क्या रहा है, वाई ने कुछ दिया तो उसका शेयर क्या हो गया, 3/10। जेड तो गेन कर रहा है, जेड न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन प्रॉफिट शेयर। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो इसलिए मैं आपको सारा लिख लिख के दिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली फिगर्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3:2 वाला पार्टनर है ये, और इसका गेन कितना है, 1/5, 10, 2+2, 4/10। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स का क्या है, 3/10, 3:3:4। पार्टनर्स कौन है, एक्स वाई जेड, 3:3:4, 3+3+4 10। तो पूरा आ रहा है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा अगर किसी का हमें गेन और सैक्रिफाइस गिवन है। सिंपल, चल सकता हूं आगे। चल केस टू, एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। अभी क्या था, जेड को मिला 1/5, उसका गेन था 1/5, कौन दे रहा था, पूरा का पूरा एक्स दे रहा था, तो एक्स में से माइनस कर दिया। अब क्या हो रहा है, जेड को मिल रहा है 1/5, बट कौन दे रहा है, एक्स और जेड, एक्स और वाई इक्वली। तो सिंपल है, आप कैलकुलेट कर लो, ध्यान से देखना, किसको मिल रहा है, जेड को, जेड गेन्ड शेयर इज 1/5, कौन दे रहा है, एक्स गिव्स वाई गिव्स इक्वली, यस और नो? तो 1/5 का हाफ, और वाई कितना दे रहा है, 1/5 का हाफ।
तो ये क्या निकला इनका सैक्रिफाइस शेयर। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है प्रितेश? वेरी गुड, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस शेयर, सैक्रिफाइस शेयर विच इज 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस शेयर दो अलग चीजें होती हैं। अगर मैं पूछूं एक्स और वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1, दोनों इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट एक्चुअल सैक्रिफाइस क्या है 1/10। तो बी केयरफुल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक्चुअल सैक्रिफाइस शेयर दो अलग चीजें होती है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्चुअल सैक्रिफाइस, वो आगे जाके यूज होगा, बट ध्यान रखना जब रेशियो कैलकुलेशन हो रही है, रेशियो कैलकुलेशन उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज हो रहा है या एक्चुअल सैक्रिफाइस। एक्चुअल सैक्रिफाइस इज सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर, रेशियो कैलकुलेशन में क्या यूज हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या एक्चुअल सैक्रिफाइस? एक्चुअल सैक्रिफाइस। तो ध्यान से देखेंगे, एक एक करके बात करें, अगर x का ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2 ही है, तो 5/10 कितना सैक्रिफाइस करा, 1/10 y सेम और z के केस में क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2 था ना, सैक्रिफाइस सेम था, ओल्ड रेशियो तो इसका क्या था 3 और z का क्या है, गेन कर रहा है z, ओल्ड रेशियो क्या था 2, गेन कर रहा है कितना, दोनों से 1/10 4/10। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करा, मैं कह रहा हूं बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया, अप्लाई करेंगे। न्यू रेशियो कौन है पार्टनर्स, एक्स वाई जेड, 4:2, 2:4, 2:1:2, कोई डाउट, इजी। केस 3, एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, मैं नहीं कर रहा, आप अपने आप कर लेंगे, न्यू रेशियो इज 1:1:1, ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है, आप निकालेंगे सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर इज ओल्ड माइनस न्यू, तो सैक्रिफाइस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपके एक्चुअल सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आ रहा है तो गेन है। कोई डाउट, कोई भी डाउट? एक चीज मैंने आपको भी बता दी थी कि इसमें ये 1/10 क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या एक्चुअल सैक्रिफाइस, या एक्चुअल सैक्रिफाइस है, क्या ये एक्चुअल सैक्रिफाइस? तो अगर यहाँ पे मुझे सैक्रिफाइसिंग आगे जाके गुडविल में यूज होगा, बट अभी बस एक ट्रेलर दे रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, कंपेयर करते हैं एक्चुअल सैक्रिफाइस को, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1:1, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक्चुअल सैक्रिफाइस दो अलग चीजें हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रेशियो कैलकुलेशन के लिए क्या यूज होता है, एक्चुअल सैक्रिफाइस, बट एक्चुअल सैक्रिफाइस को ही कंपेयर करके पता चलेगा कि अच्छा आप इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो, रेशियो क्या है आपस में सैक्रिफाइस, तो दोनों इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे थे इसलिए 1:1। कोई डाउट? बट 1:1 का मतलब तो सर 1/2 होता है, तो क्या वो 1/2 दे रहे हैं? नो, वो तो 1/10 दे रहे हैं, तो इसलिए बोल रहा हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक्चुअल सैक्रिफाइस दो अलग चीजें हैं। बी केयरफुल। केस 3 आप अपने आप कर लेंगे। केस 4 इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ खेल रहे हो, ध्यान से देखना, आपको बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप बेवकूफ हैं? तो ध्यान से देखना, एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, जब वहां पे था फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब अगर है ना कि दिस मच फ्रॉम एक्स, तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
तो यहां पे क्या था, एक्चुअल सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन. Z takes 1/5 of X's share. X को जितना भी मिल रहा था उसका 1/5 उस में से नहीं, X का 1/5. तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि X का अगर इतना है तो X का 1/5 कितना होगा. तो बस लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, ऑफ में ऐसे करेंगे. तो Z takes 1/5 of X. तो ध्यान से देखेंगे केस फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस फोर. DIY ठीक है, केस फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का, बट बहुत ही इजी. एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2. जेड ही ले रहा है ना, जेड टेक्स 1/5, 1/5 ऑफ एक्स, 1/6 ऑफ वाई, 1/5 ऑफ एक्स शेयर एंड 1/6 ऑफ वाई शेयर. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन दिस केस the actual sacrifice मतलब sacrificed profit share is not given. Actual sacrifice given नहीं है, पहले आपको वो calculate करनी पड़ेगी. First calculate actual सैक्रिफाइस. एक्चुअल सैक्रिफाइस और कुछ नहीं, क्या होता है आपका, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर. तो एक्स कितना दे रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर. एक्स का शेयर क्या था, 5/10, यस और नो? तो 1/5 ऑफ 5/10. वाई क्या दे रहा है, 1/6 of his share, तो 5/50, 3/60. कोई भी डाउट? अब इसको this can be read as x gives 5/50 5/50th from his share. Y gives कितना, 3/60th from his share. आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5/50 is nothing else but 1/10, 3/60 is 1/20. कोई डाउट? अब आप केस वन पे पहुंच गए कि ही गिव्स दिस मच फ्रॉम हिज शेयर. तो आप डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर. एक्स ओल्ड रेशियो क्या था, 5/10, कितना सैक्रिफाइस करा, 1/10. वाई का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/10, क्या सैक्रिफाइस करा, 1/20. जेड गेनिंग पार्टनर है, 5:3:2, क्या मिला उसको, एक पार्टनर से 1/10 और एक पार्टनर से 1/20. क्या ये मुश्किल था, वेरिएशंस होंगी लैंग्वेज के, ये इनका सबसे मुश्किल था. बट मैं कह रहा हूँ ये इनका सबसे मुश्किल था, बट ये मुश्किल थोड़ी ना था, वेरिएशंस होंगी जिससे इनिशियली आराम से भागना मत, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, उसको अंडरस्टैंड करना, आगे जाके लेवल एस्केलेट होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर यहां तक का ग्राउंड क्रिस्टल क्लियर फर्मली होल्ड करके बैठे हो तो.
तो प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए लाइफ में। टू सिक्स माइनस वन, फाइव बाय ट्वेंटी, और ये क्या है, ट्वेंटी मतलब फोर प्लस टू प्लस वन, तो क्या है, सेवन बाय ट्वेंटी। तो ट्वेंटी के टर्म में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एट बाय ट्वेंटी। तो न्यू रेशियो इज एट इज टू, फाइव इज टू, सेवन, पार्टनर्स का नाम एक्स वाई जेड। कोई भी डाउट? ये था हमारा चेंज इन पीएसआर का रेशियो कैलकुलेशन। इसी के साथ रेशियो कैलकुलेशन समाप्त हुआ।